हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 33 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम एक योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लॉर्ड कृष्ण सेड टू अर्जुन, इफ हाउ एवर यू डू नॉट परफॉर्म योर रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फाइटिंग देन यू विल सर्टेनली इनकर sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. अर्जुन एक विख्यात योद्धा था जिसने शिवजी आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के रूप में शिवजी से युद्ध करके अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपतास्त्र अस्त्र प्राप्त किया था। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने उसे आशीष प्रदान किया था और एक विशेष प्रकार का अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। किंतु यदि अर्जुन इस समय युद्ध का परित्याग करता तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उससे उसके यश के भी हानि होगी और वह नर्क जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नर्क का भागी होगा। अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।